जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को कमजोर करने के बाद भारत ने जो फैसला लिया है उसे सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को लगी है। पाकिस्तान को ये बात हजम ही नहीं हो रही है, यही कारण है कि वो दुनिया के हर देश के आगे गुहार लगा रहा है। अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा, लेकिन पाकिस्तान को ये रास नहीं आया। पहले तो वहाँ के सीनेट ने यूएई का विरोध करने की बात कही, लेकिन कुछ ही घंटों बाद विदेश मंत्री ने यूएई से बात करने को कह दिया। दरअसल पाकिस्तान को लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है उस पर दुनिया को उसका साथ देना चाहिए, खासकर यूएआर जैसे मुसलमान देशों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए और भारत की आलोचना करनी चाहिए। पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजे जाने के बाद अब पाकिस्तान यूएई के सामने जम्मू कश्मीर के मसले को उठाएगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जल्द ही यूएई के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को जब यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से ये सम्मान मिला तो पाकिस्तान सीनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने अपना यूएई दौरा रद्द कर दिया। ये दौरा पीएम मोदी को सम्मान दिए जाने के विरोध में रद्द किया गया। उनका कहना है कि अगर वह यूएई जाएंगे तो कश्मीर के लोगों को दुख पहुंचेगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट्स। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।